कोविड-19 की दूसरी लहर को बेअसर करते हुए देश की अर्थव्यवस्था अब फुल स्पीड से दौड़ रही है। करीब करीब सभी सेक्टर्स में तेजी का माहौल देखा जा रहा है। वित्त मंत्रालय की आर्थिक रिपोर्ट में कहा गया है कि टैक्स वसूली से लेकर खपत और निर्यात तक हर एक क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में इजाफा हुआ है। वित्त मंत्रालय ने भरोसा जताया है कि अगर टीकाकरण की गति तेज रही तो विकास दर में ज्यादा सुधार देखने को मिल सकता है। नीति आयोग ने भी टीकाकरण की स्पीड से संतोष जताया है। दूसरी वेव आई है, उसके बाद से वैक्सीनेशन बहुत तेजी से बढ़ाए हैं, वैक्सीन की सप्लाई बहुत तेजी से बढ़ाई है। अभी दो दिन पहले दोबारा फिर 80 लाख तक का लक्ष्य हमने दिन में पा लिया है। हम लोगों ने एक दिन में 80 लाख लगाए हैं और इस बात पे सरकार तत्पर है और कटिबद्ध है कि इस वैक्सीन की सप्लाई बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी और हम 47 करोड़ से ज़्यादा लोगों को तो टीका लगा ही चुके हैं और मेरे ख्याल में इस साल के आखिर तक कम से कम ये संख्या 60-65 करोड़ हो जाएगी। आर्थिक गतिविधियों में सुधार से जीएसटी समेत तमाम तरह के टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ है, इससे राजकोषीय दबाव कम होने का भरोसा बढ़ गया है। फिलहाल तो शेयर बाजार में रोज बनते नए रिकॉर्ड, म्यूचुअल फंड में बढ़ता निवेश, क्रेडिट ग्रोथ में तेजी, गैर खाद्य क्षेत्र में कर्ज की दर का 6.5% के साथ 4.5 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचने से सरकार बेहद उत्साहित है। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत है बेकाबू महंगाई। आम जनता को महंगाई से निजात दिलाने में सरकार की कोशिशें भी अभी तक सफल नहीं हुई हैं। मई और जून की खुदरा महंगाई दर 6% के पार चली गई, जो चिंता का विषय है। आरबीआई ने पिछले हफ्ते ही महंगाई दर का अनुमान बढ़ाकर सरकार को एक बार फिर इस मोर्चे पर काम करने का साफ संकेत दे दिया है। The recent inflationary pressures are evoking concerns, but the current assessment is that these pressures are transitory and largely driven by adverse supply side factors. आरबीआई की पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने की अपील पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार महंगाई पर काबू पाने के लिए कई कदम उठा चुकी है। साथ ही उनका कहना है कि ईंधन पर भी सरकार की नजर है। वित्त मंत्री ने सदन में कहा कि बाजार में क्रूड के दाम और ट्रांसपोर्टेशन के खर्च पर हमारी नजर है और समय आने पर इसकी कीमतें घटाने के लिए सही कदम उठाए जाएंगे।